गुरु जी, उज्जैन में किस प्रकार की यहाँ पर सुविधा है, कहाँ कहाँ से आते हैं इस प्रकार की शिक्षा लेने के लिए? देखो, सभी को पहले तो जय श्री महाकाल। ये बाबा महाकाल की नगरी है। यहाँ पर भगवान कृष्ण, सुदामा ने भी सांदीपनी आश्रम में अध्ययन किया, और हमारे जो गुरुजी श्री लहरी बाबा जी थे, उनका भी एक था कि एक गुरुकुल खुले। उसमें जैसे जो साधक रहते हैं उनको तंत्र मंत्र, हवन कैसे करते हैं, मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं, ये पूरा निशुल्क पढ़ाया जाता है। और उनको भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, वो भी हम निशुल्क है हमारी आश्रम की तरफ से। कहाँ कहाँ से विद्यार्थी अभी अध्ययन? ये अभी मेरे पास हरियाणा से आए, और ये एक और मेरा जो है शिष्य, ये दिल्ली से आए हैं, और हैदराबाद से भी है, कर्नाटक से भी है, सभी जगह से आते हैं। अभी 1 जुलाई से किस प्रकार का सत्र चालू होने वाला है? इसमें हमारा जो यहाँ पर चालू होगा, उसमें जैसे वेद अध्ययन है, जैसे शुक्ल यजुर्वेद, तो उसमें भी हमको मंत्र बोलना पड़ता है। कोई भी साधना करता है, जैसे बगलामुखी साधना करता है, तो बगलामुखी साधना करने से पहले भी आपको आह्वान भी करना पड़ेगा, पूजन भी करना पड़ेगा, हवन भी करना पड़ेगा, उनमें आपको मंत्रों की जरूरत पड़ती है। तो उन मंत्रों को हम निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाते हैं, और जो साधक इच्छुक हो वो यहाँ पर आकर रुके हमारे आश्रम में। कितने समय तक के? हम 1 वर्ष का हमने लक्ष्य रखा, कोई भी साधक यहाँ पर रहे और 1 वर्ष तक हमारे यहाँ पर आश्रम में आकर पढ़ाई लिखाई करे, वो सभी निःशुल्क है। अच्छा, इसका सर्टिफिकेट वगैरह जो देते हम उसको सर्टिफिकेट देंगे कि हमने इनको यहाँ पर मंत्र पढ़ाए। और ये हमारा जो अघोर आश्रम जन कल्याण सेवा समिति ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है। आप नीति आयोग की और दर्पण साइट खोलना, उसमें सर्च करना, तो आपको ये दिख जाएगा। आजकल कोई लोग हैं जो भ्रमित करते हैं सोशल मीडिया पर? भ्रमित करने का तो क्या है कि आज हम कोई सा भी हम अच्छा कर्म करेंगे तो पीछे टांग खींचने वाले जरूर आते हैं। तो हमारे नाम से बहुत सारों ने आईडी बना दी, और हम कभी ये नहीं बोलते कि हम सन्यासी, हम गृहस्थ हैं, और हम गृहस्थ में रहकर भगवान राजाधिराज महाकाल के आशीर्वाद से हमने जो अघोर आश्रम की स्थापना करी, और अघोर का मतलब भी है शिव को जानो, शिव की पूजा पाठ करो। हम भी ये जो हमारे पास आते हैं उनको हम यही बताते, सिर्फ इतना है कि हम काले वस्त्र पहनते हैं। आपका शुक्रिया। मेरा नाम जो मेरे गुरुजी ने मेरे को दिया था, अघोर अचल नाथ जी महाराज। जय श्री महाकाल। मेरा नाम उज्जवल जैन, मैं जैन समाज से हूँ, और मेरी रुचि श्री महाकाल भगवान में थी। मैं उज्जैन आया, मैंने पहले बहुत जगह भटका, बहुत जगह धक्के खाए, मुझे बाबा से इतना प्यार था, मैं सिद्धि करनी थी, साधना करनी थी, बहुत जगह गया, बहुत जगह भटका, लेकिन फिर मेरे को महाकाल में पूज्य गुरु श्री आचरनाथ जी महाराज जी मिले, जिन्होंने मुझे अपने पास रखा, बिल्कुल पिता की तरह प्यार देते हैं, टाइम पे खाना पीना रहना किसी तरह की मतलब कॉस्ट नहीं लेते वो, और मेरे को इनसे यहाँ रह के सुकून मिलता। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूज्य गुरुजी मुझे परमानेंट लाइफ टाइम के लिए अपने साथ रखें। कितना समय हो गया आपको? मुझे अभी से 5 दिन, और 5 दिन में मुझे दिख गया कि मैं इनके साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है? कुछ भी शुल्क नहीं है, रहना फ्री, खाना फ्री, सब अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, 4 टाइम खाना पीना सब बहुत अच्छा। कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया हूँ। आपका शुक्रिया। उज्जवल जैन। पहले तो श्री जय श्री महाकाल। मैं हरियाणा से आया हूँ, और मेरे को 2.5-3 महीने हो गए हैं पूज्य गुरुदेव श्री अचलनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में या साधना करने के लिए आया हूँ। और पूज्य जो गुरुदेव जी हैं मेरे, वो मेरे को बच्चों जैसे रखते हैं, और यह सब खाना पीना रहना सहना सब निशुल्क है, हमारे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। किस प्रकार की साधना यहाँ पर आप करते हैं? हम महाविद्या की भैरव साधना, तंत्र साधना, ये साधना करते हैं, भगवान शिव की साधना करते हैं। आपका शुभ नाम? शुभ नाम रोशन शर्मा।